हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिंपल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा सिक्स्थ चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। टेंथ क्लास के अंदर आपने काफी सारी इक्वेशंस सॉल्व की है, वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में। अब इलेवेंथ क्लास में हमारा क्या है चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे आप क्या डिस्कस करेंगे हम इनइक्वालिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, साइन सिंबल्स के बारे में कि क्या होता है, इनइक्वालिटीज के सिंबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये वाला साइन होता है, ये होता है लेस देन। क्या होता है? लेस देन। और ये साइन क्या होगा हमारे पास? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ठीक है। ये दो क्या है मेरे पास साइन, ये क्या होता है लेस देन और ये क्या होता है ग्रेटर देन। सिमिलरली अगर इस साइन के नीचे ये लगा हो, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। दैट मींस लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर ग्रेटर देन के साथ क्या लगा हो हमारे पास इक्वल टू, तो इसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, फोर साइंस हो गए। ये क्या होता है? लेस देन। कोई भी टर्म हम जब लिखते हैं यहां पे, जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा? लेस होगा इधर वाली टर्म से। आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि एक्स इज दिस, इसका मतलब क्या है? मैंने क्या लिखा है कि जो एक्स है वो क्या है? थ्री से लेस है, ठीक है। जहां पे दो गए वो बड़ा हो गया, एक वाला क्या हो जाएगा हमारा? लेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो भी हमारा एक्स होगा वो थ्री से क्या है? लेस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन। सिमिलरली इसे हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये चीज ट्रू हो गई ना, ट्रू, इसका मतलब क्या हो गया कि टू इज लेस देन थ्री, या हम क्या बोल सकते हैं थ्री इज ग्रेटर देन टू। यही मीनिंग हुआ ना। ये क्या होता है हमारा? ग्रेटर देन, मतलब यहां पे जो भी आएगा वो ग्रेटर होगा इस वाली टर्म से, जो भी आप लिखोगे, ठीक है। ये क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू का साइन आ गया। और ये क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो हमारी होती है ये क्या होती है, इन्हें क्या बोला जाता है? इनइक्वालिटीज बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होती है हमारी? इनइक्वालिटीज। अब हम डेफिनेशन करते हैं। तो अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन को हम कैसे पढ़ सकते हैं? टू रियल नंबर्स, रियल नंबर आपको पता ही है, अब तक काफी बार आप पढ़ चुके हो, क्लियर हो गया होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल। कोई भी दो हमारे रियल नंबर हो या हमारे क्या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हो, जो रिलेटेड हो किन सिंबल से, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। ये कहता है कि कोई दो रियल नंबर्स भी हो, जैसे कि देखो एग्जांपल देखते हैं। अब हम कहते हैं कि रियल नंबर्स के बीच में ये हमारे सिंबल्स हो या एल्जेब्राइक हमारे एक्सप्रेशंस में क्या हो, ये वाले सिंबल्स हो, तो वो हम क्या कहेंगे उन्हें? फॉर्म एन इनइक्वालिटी। एग्जांपल फर्स्ट देखिए, लाइक मैंने क्या लिखा है? थ्री इज लेस देन फाइव, सही बात है, ये पांच बड़ा होता है तीन से, या हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं? फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, ठीक है। एक और जैसे लिया मैंने कि एट इज ग्रेटर देन थ्री, या हम कह सकते हैं कि थ्री इज लेस देन एट, ठीक है। तो क्या होगा? आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। मतलब इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं जहां पे कोई रियल नंबर्स होते हैं हमारे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ये किस टाइप के एग्जांपल्स है हमारा? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। सेकंड देखिए, यहां पे हमारा क्या हो गया, इन्हें क्या बोला जाता है? कांस्टेंट और वेरिएबल। आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे हमारे एक्स वाई जेड समथिंग हो गए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है कि एक्स इज लेस देन फाइव मैंने लिया है, वेयर मुझे नहीं पता कि एक्स कहां पर क्या वेरी करता है, एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। मैंने लिखा कि एक्स इज लेस देन फाइव, वाई इज ग्रेटर देन वन। सिमिलरली को क्या लिखा कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू टू। इस टाइप के मतलब जहां पे वेरिएबल्स आ जाते हैं, या आप क्या कह सकते हो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आ गए यहां पे, आर एग्जांपल्स ऑफ लिटरल इनइक्वालिटीज। ये किसके एग्जांपल्स हैं हमारे? लिटरल इनइक्वालिटीज के, ठीक है। तो ये कुछ हमारी डेफिनेशन हो गई। क्या बताया मैंने आपको कि कोई भी दो रियल नंबर्स या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे हो, रिलेटेड हो इन सिंबल से, तो वो क्या फॉर्म करता है?
form an inequality, and these are the examples of numerical inequality and these are the examples of literal inequality हो गया. Next देखिए, next type की inequalities देखते हैं. जैसे मैंने first यहाँ पे क्या pick किया है कि 2 is less than, ये क्या है हमारे पास, मैंने लिखा है यहाँ पे कि 5 greater है 2 से and 8 क्या है greater है 5 से. और similarly यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसे हम क्या क्या बोलेंगे कि 5 is greater than 2 but less than 8, यानी कि 5 2 से तो बड़ा है लेकिन 8 से क्या है छोटा है. सिमिलरली जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, ये क्या बोला जाता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3. ये बात क्लियर हो गया ना, जहां पे दो मुंह हो गए वो बड़ा हो गया, एक वाला क्या होता है छोटा होता है. तो इस टाइप के जो हमारे इनइक्वालिटीज आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल इनइक्वालिटीज. ये क्या हो गई हमारी डबल इनइक्वालिटीज का क्या है एग्जांपल है. पढ़ना आपको पता लग गया, इसे कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रहा ना इक्वल टू का साइन, इक्वल टू 2 बट लेस देन 3. और अगर मैं यहां पे लिख देती ये तो आप क्या बोलते कि फिर क्या बोला जाता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 3, बट यहां पे मैंने ये नहीं लगाया तो ये क्या बोला जाएगा लेस देन 3. ये किस टाइप का एग्जांपल है, डबल इनइक्वालिटी के. नेक्स्ट देखिए क्या है, ax plus b less than 0, ये मैंने एक इक्वेशन ली है. ठीक है, यहां पे क्या है, इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. सबसे पहली बात है स्ट्रिक्ट और स्लैक, दो टाइप की हमारे पास इनइक्वालिटी होती है, स्ट्रिक्ट एंड स्लैक. स्ट्रिक्ट कब बोली जाती है, जब यहां पे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, या तो क्या हो लेस देन या क्या हो ग्रेटर देन, तो वो कैसी इनइक्वालिटी होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है. और स्लैक में क्या फर्क है, स्लैक के अंदर क्या आ जाता है, लेस देन इक्वल टू, दैट इज एक्स प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 0. जहां पे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आए वो क्या होती है, स्लैक इनइक्वालिटी. तो ये फर्क पता लग गया कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है, जहां पे लेस देन या ग्रेटर देन होता है ओनली, स्लैक में क्या होता है लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. अभी आप एक और बात कर सकते हैं हम कि इस इक्वेशन की इनइक्वालिटी के अंदर हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है मेरे पास यहाँ पे x है. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि ax plus by is less than 0. सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि ये स्ट्रिक्ट है या स्लैक है तो आप क्या कहोगे, ये स्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा. ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें कि वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, 2 वेरिएबल है, एक तो क्या है एक्स हो गया और एक वेरिएबल क्या हो गया हमारे पास वाई हो गया, यानी कि ये हमारी क्या है, 2 वेरिएबल के अंदर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का क्या है एग्जांपल है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर हो जाएगा. ठीक है, लीनियर आपको पता है जहां पे हमारा क्या होता है पावर 1 होती है. ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 होती है. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या यहाँ पे वेरिएबल कितना है हमारे पास, वेरिएबल तो 1 ही है ना, x एंड x, लेकिन ये कैसी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट है या स्लैक है, तो आप कहोगे ये स्लैक इनइक्वालिटी है. और दूसरी बात ये कैसी है हमारी, एक क्वाड्रेटिक, यहाँ पे ax स्क्वायर आ गया ना. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस टाइप के कि जहां से डबल इनइक्वालिटी पता लगती है, स्ट्रिक्ट स्लैक एंड सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके अंदर दो तीन रूल्स अप्लाई होते हैं वो बताऊंगी. जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे x की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, क्या दे रखा है 2x इज लेस देन क्या आ जाएगा 4. तो क्वेश्चन एक्सरसाइज किसी टाइप से आपके पास आएंगे. ठीक है, तो पूछा जाएगा बाद में, पहले x हम निकाल लेंगे फिर कहेंगे कि x क्या है, नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है या इंटीजर है, वो बाद की बात है. पहले हम सिंपल से सॉल्व करना सीखते हैं कि एक इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. तो यहां पे मैंने देखा सबसे पहले कि क्या 2x इज लेस देन क्या आ गया 4 आ गया. ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगी, दोनों साइड 2 से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी. आप इनइक्वालिटी के अंदर दोनों साइड ही कुछ भी प्लस कर सकते हैं, जैसे यहां पे अगर 2 प्लस किया तो यहां पे भी 2 प्लस कर सकते हो, कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी सेम नंबर से कर सकते हो. ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया x इज, ये कितना आ गया 2, तो 2 आ गया. तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आया कि x क्या है 2 से लेस है. ठीक है, अभी तो सिंपल ये बात है, बात करते हैं कि x किस टाइप का है. मान लो मैंने दे दिया कि जो x है
वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, यानी कि x है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका आप खुद सोचो, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ये क्या, x इज लेस देन 2, यानी कि x क्या 2 से छोटा है, और कैसा है x, नेचुरल नंबर है। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या रहा, ओनली 1 रहा ना, तो यहां पे आंसर हमारा क्या आएगा, ओनली 1, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात थी। एक इनइक्वालिटी के अंदर मेन बात है, अगर आप इनइक्वालिटी के अंदर मान लो ये दे रखा है माइनस है, यहां पे भी मान लो माइनस है, ठीक है। अगर आप इनइक्वालिटी के अंदर माइनस से माइनस को कैंसिल आउट भी करते हो, तो जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। या आप क्या बोल सकते हो कि अगर आप कहीं पे भी इनइक्वालिटी के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, कॉमन ले लो मल्टीप्लाई कर दो, या माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे चलो हम -4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगी, इधर 2 से अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि क्या आ जाएगा 2x -2, और ये -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मेरी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यहां से -x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर आप माइनस से कॉमन ले लो, कैंसिल आउट कर दो, या माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी करते हो दोनों टर्म में, दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स थे, बहुत ही इजी चैप्टर है ये हमारा, बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि माइनस से माइनस से कैंसिल आउट भी किया तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे रूल क्या है हमारे पास इनइक्वालिटी के अंदर, कि अगर आप दोनों साइड किसी माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, दोनों साइड मान लो -1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेस है तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा, ग्रेटर है तो लेस का साइन आ जाएगा। अगर आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी कर रहे हो तो भी क्या होगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो माइनस वाली टर्म बहुत ध्यान से देखनी है आपने, कि अगर आप दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी कर रहे हो तो आप इनइक्वालिटी को चेंज करो। ये छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चंस के अंदर समझ आ जाएगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम, फिर ये बताते हैं कि x किस टाइप का है। व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, और सेकंड क्या है, व्हेन x इज एन इंटीजर, यानी कि एक क्वेश्चन के हमें दो आंसर लेके आने हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या है 24x इज लेस देन 100। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रूल क्या होगा, मुझे यहाँ पे x को 1 लेके आना है ना यहाँ पे, यानी कि 24 को कैंसिल आउट करना है, यही बात होती है। आप सिंपल ये छोटी क्लासेस में भी कर चुके हो इस टाइप के, बस यहाँ पे वहां पे इक्वल टू होता था, यहाँ पे इनइक्वालिटी दे रखा है। तो मैं दोनों साइड क्या करूंगी, 24 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 24 एंड 24, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये कैंसिल आउट होके कितना आता है 4.16 एंड समथिंग आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे हम इसे, क्या आ गया, x इज लेस देन 4.1 ही ले लेते हैं हम इसे, ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। अब हम जाते हैं मेन पॉइंट पे कि x हमारा किस टाइप का है, x इज नेचुरल नंबर फर्स्ट पॉइंट है, x कैसा है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप सबको पता है क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी। एंड सेकंड पॉइंट है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें माइनस वाली टर्म्स भी होती है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन क्या होता है हमारे डेसिमल पॉइंट्स उसके अंदर नहीं होते। तो अब ये कहता है x कैसा है, x है 4.16 से क्या है, छोटा है, ठीक है। लेकिन x कैसा है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे आंसर में सेट बताना है, ठीक है। तो देखो 1 से मैं स्टार्ट करूंगी, 1 से स्टार्ट क्यों करूंगी, क्योंकि x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 के बाद x कहां तक है, 4.16 से छोटा है, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड ऑल्सो 4 भी आ जाएगा, और यहां पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये 4 point something से छोटा है ना। अगर यहां पे 4 point something ना होता और आ जाता कि x इज लेस देन 4, तो यहां पे आंसर के अंदर 4 नहीं लिखा जाता, क्योंकि
फोर कब इंक्लूड होता है? ये कहता है फोर से छोटा है, तो चार से छोटा पीछे कौन आएगा? तीन ही तो आता है ना। अगर यहां पे साइन होता इक्वल टू का तो हम यहां पे फोर को इंक्लूड करते, यहां पे साइन इक्वल टू का नहीं है यानी कि एक्स क्या है फोर से छोटा है, तो आंसर आएगा 1, 2, 3। बट यहां पे क्वेश्चन पे अलग है, 0.16 है तो यहां पे फोर आएगा। ये बात क्लियर हो गई। इक्वल टू का मतलब क्या होता है? मान लो इस टाइप से है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, और कहते हैं एक्स नेचुरल नंबर है, यानी कि इसका क्या आंसर बनेगा 1, 2 एंड ऑल्सो 3। और यहां पे अगर हम हटा देते हैं कि x 3 से क्या है छोटा है और x क्या है नेचुरल नंबर, तो 3 से छोटा है तो क्या आएगा 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। ये तो चलो एक अलग बात है। क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, अब हम सेकंड पॉइंट ट्राई करते हैं। सेकंड पॉइंट आंसर x की तो यही रहेगा, हमारा बॉक्स तो यही रहेगा ना कि x इज लेस देन 4.16। अब कहता है x इज एन इंटीजर, x कैसा है? इंटीजर है। और x क्या कहता है? इंटीजर्स का मतलब, इंटीजर्स आपको पता है माइनस इंफिनिटी टू क्या होता है, -4, -3, -2, -1, 0 अप टू इंफिनिटी तक जाता है, ये होता है हमारा सेट इंटीजर्स का। ये तो क्लियर होगी बात आपको। अब ये कहता है x इंटीजर्स है और x क्या है लेस देन 4.16, 4.16 से तो छोटा है x, और कहां तक छोटा है? अप टू इंफिनिटी तक छोटा है। और इंफिनिटी तक कहां से पता लगा? क्योंकि वो बात कर रहा है इंटीजर्स की, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बनाएंगे, माइनस इंफिनिटी डॉट 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 लगा के -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक ये सेट हमारा जाएगा, क्योंकि x क्या है 4 से 4.16 से छोटा, और कहां तक छोटा है? अप टू इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी तक छोटा। और ये कैसे पता लगा? क्योंकि x इज एन इंटीजर। तो ये तो आंसर होगा जब नेचुरल नंबर होगा, ये आंसर होगा जब हमारा इंटीजर्स होगा। सेकेंड पार्ट हम सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व -12x > 30 व्हेन, सेम यही दोबारा बोलेगा कि x इज अ नेचुरल नंबर, सेकेंड पॉइंट है x इज एन इंटीजर। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बात बताया था, माइनस दे रखा है ना यहाँ पे, यहां पे मुझे x के कॉफिशियंट, कॉफिशियंट आपको पता है क्या होता है, जो हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट होता है वो कॉफिशियंट होता है उसका, ठीक है। अब मुझे x का कॉफिशियंट 1 लेके आना है यहां पे, क्योंकि x समथिंग लेके आना ना x की वैल्यू। तो सबसे पहले देखो -12 है, यानी कि मैं -12 से मल्टी डिवाइड कर दूं दोनों साइड। और मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस से अगर आप माइनस को माइनस से कैंसिल आउट भी करते हो, या माइनस वाली टर्म से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब ये ग्रेटर देन है तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब मैं यहां पे क्या कर रही हूं, -12 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूं। क्वेश्चन क्या था मेरा, -12x > 30, देन वी राइट इट ग्रेटर देन की जगह हम क्या लिखेंगे, लेस देन लिख देंगे। पहली बात हो गई, -12 से -12 कैंसिल, x इज लेस देन कितना आ गया, -30 बाय कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। कितना जाएगा ये हमारे पास, ये आ गया 6 एंड दिस इज 15, ये आ गया 2 एंड 5, तो ये आ गया -5 बाय 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात क्या करता है, इसका मतलब क्या, x है जो वो छोटा है, -5 बाय 2 को हम उसमें लिख लेते हैं डेसिमल पॉइंट में, क्या आ जाएगा -2.5, ठीक है। ये कहता है x क्या है -2.5 से छोटा है, और पहला पॉइंट है x इज नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं ना। देखो हमारे पास क्या आया, x इज लेस देन -2.5, और ये फर्स्ट पॉइंट में कहता है x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये तो कहता है कि x छोटा है -2.5 से। नंबर लाइन पे अगर हम बात करते हैं, ये 0 होता है, 1, 2, ये अप टू इंफिनिटी तक जाता है, ये -1, ये -2, -3, -4 अप टू क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे जाता है। अब आपको ये बात पता होगी कि बड़ा छोटा कहां से होता है, यहां से चलेंगे तो -4 से -3 बड़ा है, -3 से -2, -1, then 0, then 1, 2, 3, ये बात सबको पता है कि इस टाइप से चलते हैं तो वो क्या होते हैं, बड़े नंबर आते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि x है वो -2.5 से छोटा है, -2.5 हमारे पास यहां पे कहां आ जाएगा, उससे छोटा है, यानी कि इस तरफ चलेगी ये बात हमारी, ठीक है। लेकिन ये कहता है x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट हमारा 1 से होता है, तो ये बात तो फॉल्स हो गई ना, यानी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हमारा जो आंसर है वो नेचुरल नंबर में तो कहीं आ ही नहीं रहा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, निल।
कोई भी नंबर हमारे पास यहां पे सेट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं, कहते हैं x इज एन इंटीजर। x क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर हमारा आपको पता ही है माइनस इंफिनिटी तक तो होता ही है, ठीक है। और कहता है इंटीजर में लेकिन डेसिमल वाले पॉइंट नहीं आते, तो क्या है x क्या है? छोटा है माइनस 2.5 से, ठीक है। तो 2.5 के बाद हमारा छोटा नंबर कौन आता है? सोचो, माइनस 3, आफ्टर दैट माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 अप टू माइनस इंफिनिटी। ये दिमाग लगाना, उस तरफ मत चले जाना माइनस 1 में, क्योंकि माइनस 1 बड़ा होता है, ठीक है ना। छोटा है x माइनस 2.5 से, तो माइनस 2.5 के बाद कौन आता है? माइनस 3 आता है। तो क्या आ जाएगा? माइनस 4 एंड माइनस 3। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, किस केस में? जब x इज एन इंटीजर। और निल कब होगा हमारा? जब x इज अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? सोल्व 5x माइनस 3 इज लेस देन 7 When x is an integer, first point है, second क्या है? When x is a real number, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसे, क्या हो जाएगा? 5x minus 3 is less than 7। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास यहाँ पे x के अलावा एक्स्ट्रा कौन है? माइनस 3 है ना, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगी? 3 एड कर दूंगी, ठीक है। एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, आपने रीजन यहाँ पे लिखना है, लिख देना एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्लस 3 लेस देन 7, प्लस कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 5x इज लेस देन 7 प्लस 3 कितना आ गया? 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो। 5x बाय 5 लेस देन 5, 10 बाय 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 2, यानी कि मेरे पास क्या आ गया? x इज लेस देन 2, ठीक है। यहां तक बहुत इजी था, आप कर चुके हो पहले भी इस टाइप का वर्क। अब क्या, x इज एन इंटीजर। अब ये कहता है कि फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या बनेगा? कि जब x इंटीजर होगा, इंटीजर आपको पता ही, कहता है x क्या? 2 से छोटा है, यानी कि इंटीजर कहां तक होता है? माइनस इंफिनिटी से, माइनस 4, माइनस 3 ये सारे इंक्लूड होते हैं, तो कहां तक जाएगा हमारा? 1 तक, क्योंकि x क्या है? 2 से लेस है, 2 के इक्वल तो नहीं है ना, 2 से लेस है, तो 2 यहां पे नहीं आएगा। कहां तक आंसर आएगा हमारा? 1 तक आएगा। बी 1, 0, माइनस 1, माइनस 2, ऑल अप टू माइनस इंफिनिटी इन केस ऑफ व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? कि व्हेन एक्स इज अ रियल नंबर। अब आपको पता है इंटीजर में बात आ गई तो ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन सेट है यहां पे, ठीक है। इंटीजर में बात आ गई तो हमने करली ब्रैकेट्स में विद कॉमा से उनको सबको अलग कर दिया। रियल नंबर की बात आती है तो रियल नंबर में तो सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, डेसिमल वाले। इंटीजर में डेसिमल वाले नहीं होते, नेचुरल में नहीं होते, होल में नहीं होते। तो अगर हम रियल की बात करें तो रियल को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम सीधा क्या लिखेंगे कि अगर x 2 से स्मॉल है तो मैं सीधा लिखूंगी इन केस ऑफ रियल नंबर माइनस इंफिनिटी कॉमा, क्या आ जाएगा यहां पे? 2 पे मैंने क्या लिख दी? ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? अगर x 2 से छोटा है, मतलब 2 नहीं है, बट 2 से लेस वाला पॉइंट तो है इन डेसिमल। ये बात तो आपको पता है ना, नंबर लाइन में यही बात होती है, 0, 1, 2, माइनस 1, माइनस 2। अब देखो यहाँ पे 1.1, 1.2 इस टाइप के हमारे पास पॉइंट्स होते हैं ना। अगर देखो यहाँ पे इंटीजर की बात है तो 1 आ गया, बट इन रियल नंबर ये अगर 2 नहीं है, मान लो 2 पे अगर खाली है, तो 2 से जस्ट पीछे वाला जो पॉइंट है इन डेसिमल फॉर्म, वो तो इंक्लूड होगा ना रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर में तो सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब है सिर्फ यहां पे 2 इंक्लूड नहीं है, और इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी, उन पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, क्लोज नहीं लगता। ओपन एंड क्लोज का मतलब आपको पता होगा। मान लो मैंने लिखा 2, 4, ठीक है, अभी 2, 2, 4 इसके अंदर है, ओपन ब्रैकेट है। इनके बीच का नंबर क्या होगा इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो 3 आएगा। मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कि 4 और 2 इंक्लूड नहीं है यहां पे। और अगर मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊं, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है यहां पे 2 भी इंक्लूड है एंड ऑल्सो 4 भी इंक्लूड है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट के अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, बट इसके पीछे वाले सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे, सिर्फ 2 नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स इस सेट के अंदर आपको मिलेंगे, 2 से जस्ट स्मॉल पीछे सारे के सारे पॉइंट। तो ये वाला सेट हम किस टाइप में लिखेंगे? इन केस ऑफ व्हेन एक्स इज अ रियल नंबर, ठीक है।
सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 व्हेन, ये दोनों पॉइंट पूछ रहा है, एक्स व्हेन एक्स इज अ नेचुरल सॉरी इंटीजर एंड एक्स इज अ रियल नंबर। तो सेम इसी टाइप से आप ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, सोल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 4x + 3 लेस देन 5x + क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि 3 को रिमूव कर देते हैं। तो 3 को रिमूव कैसे करेंगे, यहां पे -3 करके और यहां पे भी -3 करके, तो क्या आ जाएगा 4x + 3 -3 लेस देन 5x + 7 एंड -3। आप रीजन लिख देना कि हमने क्या किया, यहां पे सब्ट्रैक्ट करे 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां से +3 से -3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4x इज लेस देन 5x + 7, -3 कितना गया प्लस का 4 आ गया। अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट टर्म, यहां पे क्या होगी कि इधर x है, यहां पे क्या है 4x है और यहां पे क्या है 5x है, यही है मीनिंग हमारा। अब देखो लेकिन x तो मुझे एक टाइम ही चाहिए ना, दो जगह आ गया तो कैसे x की वैल्यू आएगी, तो बड़ा कौन सा है 5x, छोटा क्या है 4x। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं 4x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन 4x माइनस 4x लेस देन 5x माइनस 4x प्लस कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। आप लिख दोगे कि सब्ट्रैक्ट 4x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया, लेस देन 5x माइनस 4x कितना रह गया ओनली x, एंड कितना हो गया प्लस का क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 4 को क्या करना है, हटाना है, तो माइनस 4 कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 4 लेस देन x प्लस 4 माइनस 4। तो आप रीजन लिख दोगे कि सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास माइनस 4 लेस देन x। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन, से हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन माइनस 4, इसका मतलब क्या आ गया कि x जो है वो बड़ा है माइनस 4 से, ठीक है। और x कैसा है रियल, फॉर रियल x, रियल यहाँ पे रियल की बात चल रही है, ठीक है। तो रियल का मतलब क्या है, माइनस 4 से बड़ा, तो माइनस 4 से बड़ा, माइनस 4 से बड़ा कहां तक जाएगा, बड़ा है तो प्लस इंफिनिटी तक जाता है इन केस ऑफ रियल नंबर। देन दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इनइक्वालिटी, ठीक है। रीजंस आप लिख देना, यहां पे हमने सब्ट्रैक्ट किया ऑन बोथ साइड्स, और ये एक तो तरीका ये हो गया। एक सिंपल बात क्या होती है कि अगर पॉजिटिव टर्म है तो आप दूसरी तरफ लेके जा सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये किया था, क्वेश्चन इज लेस देन 4 है ना, मैंने 2 से डिवाइड किया था दोनों साइड, अब 2 यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव टर्म को आप दूसरी तरफ ले जा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो सीधा कि x इज लेस देन ये क्या 2 अपॉन में आ जाएगा, जैसे मान लो इक्वालिटी की बात करें तो आप यही लिखते हो ना कि x इक्वल्स टू 4/2 देन x इक्वल्स टू 2, ये इक्वालिटी है। बट यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई, तो आपको क्या करना है, अगर पॉजिटिव हो तो आप सीधा इसे क्या कर देना डिवाइड कर देना, नेगेटिव हो तो हमारा क्या होता है उसमें नेगेटिव को नहीं लेके जा सकते, उसमें क्या होता है हमारी इनइक्वालिटी चेंज होती है। पॉजिटिव टर्म हो तो आप लेके जा सकते हो। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे आंसर कि -4 to infinity। सिमिलरली सिक्स्थ क्वेश्चन है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1, सेम है, हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप खुद ट्राई करना। सेवन क्वेश्चन हम करते हैं, सेवन क्वेश्चन क्या है, 3 × x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3। देखिए नेक्स्ट हमारा सेवन क्वेश्चन क्या है, 3 × x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3 वेयर x इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, 3x - 3 मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 2x - 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे यह क्या है -3 है, तो -3 को खत्म कर दो या -6 को खत्म कर दो, एक ही बात है, तो -6 को खत्म कर देते हैं, तो क्या बनेगा, दोनों साइड हम 6 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x - 3 + 6 इन लेस देन इक्वल टू 2x - 6 + 6, -6 से +6 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, +6 एंड -3 कितना आता है प्लस का 3 आ जाएगा, देन 3x + 3 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2x आ गया। अब वही बात है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 2x छोटा है 3x बड़ा है, तो मैं दोनों साइड 2x क्या कर देती हूँ सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो 3x - 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 2x, ये बात तो आपको पता है ना,
कि दोनों साइड सेम नंबर से ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन या इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, पॉजिटिव बात हो तो, नेगेटिव हो तो वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो 3x माइनस 2x क्या आ गया, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा मेरे पास, जीरो बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड प्लस 3 को हटाना ना मुझे यहां से, तो माइनस 3 कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जीरो माइनस 3, प्लस 3 से माइनस 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचा, x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो माइनस 3 से लेस बट इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू, और x कैसा है, हमारा रियल नंबर है। तो देखिए रियल नंबर पे सबसे पहले ये छोटा है ना x, तो माइनस इंफिनिटी पे बात जाती है, अगर x बड़ा होता तो प्लस इंफिनिटी पे बात जाती। माइनस इंफिनिटी और माइनस 3 पे मैंने लगा दी क्लोज ब्रैकेट, क्यों लगाई, क्योंकि यहां पे क्या है, साइन इक्वल टू का है, अगर इक्वल टू ना होता देन कन्वर्ट कर देते हम ओपन ब्रैकेट में, लेकिन यहां पे इक्वल टू है, इसका मतलब है जो x की वैल्यू है माइनस 3 तो है ही है, उसके माइनस 3 के बाद भी सारी वैल्यूज, पीछे सारी वैल्यूज हैं, माइनस 3 भी यहां पे इंक्लूड है, तो इक्वल टू का साइन का मतलब क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट आ गई, और इनक्वालिटी का मतलब ये आपको पता लगी क्या, मान लो लेस एंड ग्रेटर हो तो हमारा क्या है, ओपन ब्रैकेट यूज होती है, और अगर इक्वल टू साइन आ जाए तो हमारी कौन सी ब्रैकेट यूज होती है, क्लोज ब्रैकेट यूज होती है। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन, सेम इसी टाइप से काफी सारे क्वेश्चन हैं, वो आप ट्राई कीजिए, आपके हो जाएंगे, बाकी फर्दर जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।